नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हज यात्रा के लिए आज 12 हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। हज यात्रियों का जिला मुख्यालय में जगह जगह फूल पहनाकर स्वागत किया गया। हज यात्रा में निकले यात्रियों ने बताया कि हम अपने वतन की सलामती और देश में अमन चैन की दुआएं मांगेंगे। जुलूस में जिले की कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली, जहाँ हज यात्रियों को रवाना करने मुसलमान समाज के अलावा जिले के सभी धर्म संप्रदाय के जनप्रतिनिधि व समाज सेवी शामिल हुए। गौरतलब है कि हज यात्रियों को रवाना करने के दौरान जुलूस में राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हुए मुस्लिम भाई राष्ट्र ध्वज लिए शामिल हुए। जो हमारे उमरिया नगर वासियों के द्वारा हज यात्रियों का जिस तरह से स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल किया जा रहा है, उससे मैं बहुत बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और अपने इस देश और इस जिले और इस शहर की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, इसी तरह से कायम रहे। हम लोग यहाँ से हज के लिए उमरिया का जो काफिला, आज 16 हाजियों का काफिला मक्का मुजमा शरीफ मदीना शरीफ के लिए यहाँ से जा रहा है। अपने इस देश के अमन के लिए, चैन के लिए, विकास के लिए, भाईचारा के लिए, और सब यहाँ पर अच्छे सेहतमंद रहे, अच्छे विचारधारा रहे, सब मिलजुल करके अपने देश के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, जिले के लिए, शहर के लिए विकास का करें, और आप में इत्तेहाद मोहब्बत इखलाक बना रहे, और सब मिलजुल करके इसी तरह से हर व्यक्ति का स्वागत अभिनंदन करते रहे। ये दुआ मांगेंगे कि हमारे जो देश के लिए है और सब अपने देश के सब भाई बहनों के लिए, सबके तक चैन अमन के लिए सबकी दुआएं कबूल हो, वहाँ सब खुशहाली रहे, यहाँ हम लोग की सबके गुनाहों की बख्शीश भी हो, सब सबको माफ करें। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी दीपू की रिपोर्ट।